नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले मेरे दो शब्द सुन लीजिएगा दोस्तों। ये आदेश को आप कहेंगे कि पुराना है, लेकिन बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं इसकी प्रोसेसिंग क्या है, ये कैसे बनता है अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र। तो जहाँ तक है कि दो चार से वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं दोस्तों, फिर भी मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं। और एक जो कमेंट्स आया था, सर ये जिला शिक्षा अधिकारी सीधी का आदेश है, हमारे जिले के लिए क्यों नहीं है? तो समस्त जिलों के लिए आदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग सारी प्रोसेसिंग होना है, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है दोस्तों, बहुत कम है। 10 तारीख लास्ट है वर्ग एक की। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई संकुल प्राचार्य अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है तो आप इस आदेश को बता सकते हैं। और अगर आपको ये आदेश चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आदेश 14/2/2022 में लोक शिक्षण संचालनालय का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए है, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए है, और समस्त संकुल प्राचार्य हाई बटे हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में संचालनालय का पत्र क्रमांक संदर्भ, इन्होंने दो आदेश दिए हैं इसमें। तो पहला आदेश इन्होंने दिया है 15/5/2019 का, और दूसरा जो संचालनालय का पत्र क्रमांक है बटे 38/52 दिनांक 22/11/2019 के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर देखिएगा, उक्त संदर्भित पत्रों में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। तस्य शिक्षक भर्ती से संबंधित सत्यापन प्रक्रिया प्रचलन में थी, अतः पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। यानी जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो संचालनालय में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की मांग से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं, अतः अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र की मांग करने वाले समस्त आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। सुलभ संदर्भ हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित संदर्भित निर्देश तथा हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के। और यहाँ पर जो डेट है दोस्तों, 14/2/2022 में आदेश निकला था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भाई के डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा अभी तक आदेश नहीं आया है। हम तभी मानते हैं जब लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश आता है भाइयों। और यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बाद में थोड़े नीचे चलते हैं तो यहां पर 15/5/19 के अकॉर्डिंग वो संदर्भ दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं मेन पॉइंट अपन देख लेते हैं। राज्य शासन के संदर्भित आदेश की कांडिका 2 के अनुसार अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के निर्देश दिए गए, जिसका अनुक्रम में NIC द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने की ऑनलाइन प्रणाली GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसकी प्रक्रिया निम्न अनुसार है। अब इसमें जो प्रोसेसिंग दी हुई है मेरे भाइयों के, क्या करना है, तो सबसे पहले हमको आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, यानी आप स्वयं का अनुभव बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। तो 1.1 पर यहाँ पर देख सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदन पंजीकृत मोबाइल नंबर से GFMS पोर्टल पर लॉग ऑन करेंगे, ठीक है, आपको लॉग ऑन करना है। दूसरा है यहाँ पर बायोमेट्रिक बटे OTP प्रक्रिया द्वारा आधार सत्यापित करते हुए AKYC कराएं, इसके लिए आवेदन के पास समग्र ID होना चाहिए। तो AKYC अगर आपकी पहले से है तो ठीक है, और नहीं है तो आप उसको कर लें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है 1.3, रिपोर्ट ऑप्शन में आपको रिपोर्ट ऑप्शन में जाना है। डाइस कोड सत्र तथा माह की प्रविष्टि के उपरांत सूची प्राप्त होगी, जिसमें उस सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक का गेस्ट ID, अतिथि शिक्षक का नाम, जन्म तिथि इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी। इस सूची में प्रदर्शित गेस्ट ID एवं जन्म तिथि की जानकारी नोट कर लें, उसकी आवश्यकता रजिस्टर क्लेम फॉर्म भरने के लिए होगी। तो आपको अपनी गेस्ट ID नोट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ तो सभी को पता ही है दोस्तों। यहाँ पर 1.4 दिया है, रजिस्टर क्लेम फॉर्म ऑप्शन में गेस्ट ID, जन्म तिथि, सत्र एवं कैप्चा डालने के बाद क्लेम फॉर्म देखें। इसके बाद में 1.5 दिया है, आवेदन सत्र वार एवं विद्यालय वार क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। 1.6 है, यदि क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या विसंगति परिलक्षित हो रही है तो रिमूव क्लेम के द्वारा क्लेम फॉर्म को डिलीट करके नया क्लेम फॉर्म जनरेट करेंगे।
यहाँ पर अगर कोई फॉर्म में दिक्कत है तो उसको रिमूव कर देना है और फिर डबल से उसको जनरेट करना है। 1.7 यहाँ पर दिया है, क्लेम फॉर्म में कार्य दिवसों की संख्या प्रदर्शन एजुकेशन पोर्टल से तैयार किए गए मानदेय से हो रहा है। यदि किसी सत्र में माह में मानदेय देयक एजुकेशन पोर्टल से जनरेट नहीं होने की स्थिति में उस सत्र से के माह एवं दिन प्रदर्शित नहीं होने, इस स्थिति में आवेदन संलग्न प्रारूप में क्लेम फॉर्म भरेंगे। अब आपने किसी माह में आपने आपको मानदेय तो जनरेट हुआ है लेकिन पोर्टल पर नहीं हो रहा है और जानकारी नहीं है, तो वहां पर आपको क्लेम फॉर्म भरना होगा, यानी आप खुद मौखिक जानकारी उसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जानकारी बिल्कुल सही होना जरूरी हो जाता है। 1.8 यहां पर दिया है, बिंदु क्रमांक 1.5 तथा 1.7 के अनुसार तैयार क्लेम फॉर्म से अंकित उपस्थिति कार्य दिवसों की संख्या के सत्यापन हेतु क्लेम फॉर्म संबंधित संस्था को 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें। उक्त कार्रवाई की अंतिम तिथि होगी 31/5/19 है, ए ओल्ड है और यहां पर ई बटी विजेंद्र तोमर फाइल यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद में 1.9 संस्था प्रमुख से सत्यापन के उपरांत आवेदन समस्त क्लेम फॉर्म को एक फाइल कवर में व्यवस्थित रूप से संदर्भित कर संकुल प्राचार्य कार्यालय में प्रस्तुत करें। संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, अब संस्था द्वारा स्कूल में क्या जानकारी आपको क्या करना है, आवेदन से प्राप्त क्लेम फॉर्म से अंकित उपस्थिति कार्य दिवसों का मिलान उपस्थिति पंजी से करें। कार्य दिवसों की संख्या में भिन्नता की स्थिति में उपस्थिति पंजी की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित करें। सत्यापन उपरांत क्लेम फॉर्म की हस्ताक्षरित 1 प्रति आवेदक की, 2 प्रति संकुल प्राचार्य तथा 3 प्रति अभिलेख के रूप में विद्यालय में रखी जाए। 3 दिया है, संकुल प्राचार्य बटे आहरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही क्लेम फाइल को कार्यालय में व्यवस्थित सुरक्षित रखा जावे ताकि भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किया जाए। आपका रिकॉर्ड स्कूल में सुरक्षित होना चाहिए, भले ही आपने जिस रजिस्टर पर सिग्नेचर किए हों और आपको जो भी फाइलें वगैरह हैं पूरी जानकारी आपकी स्कूल में उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि ये चेक भी हो सकती है भाइयों। संकुल कार्यालय द्वारा यह देखा जाए कि आवेदक से प्राप्त की जा रही फाइल में संलग्न क्लेम फॉर्म उसी संस्था द्वारा सत्यापित हो तथा क्लेम फॉर्म में प्रदर्शित स्कूल संकुल के अंतर्गत हो। और 3.3 दिया है, आवेदन द्वारा किए गए कार्य दिवसों का सत्यापन संकुल द्वारा तैयार किए गए मानदेयकों के अभिलेख के आधार पर किया जाए। भिन्नता की स्थिति में मानदेयक की संख्या को क्लेम फॉर्म में अंकित करें। 3.4 संकुल प्राचार्य DDO लॉगोन से क्लेम फॉर्म में संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित उपस्थिति दिवसों की ऑनलाइन रूप में GFMS पोर्टल पर दर्ज करेंगे। अब आवेदक 3.5 जिनके द्वारा हस्तलिखित क्लेम फॉर्म मानदेय एजुकेशन पोर्टल से तैयार नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जनरेट नहीं होने की स्थिति में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के क्लेम फॉर्म में क्लेम किए गए कार्य दिवसों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति के विशेष परीक्षण उपरांत मान्य किया जाएगा। इनके संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से सर्टिफाई होना चाहिए, कोई प्रकार की रोटी इसमें नहीं होना चाहिए, तभी यह मान्य किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सवाल सरकारी नौकरी का है। 3.6 क्लेम फॉर्म के संशोधनों का संकुल प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार GFMS पोर्टल से अपडेट करने के पश्चात लॉक किया जाएगा। और 4 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं, संकुल द्वारा की गई कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात लॉक प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग ऑन ID के पासवर्ड प्रदर्शित होने लगेगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जाएगा, तत्पश्चात पोर्टल जनरेट बार बार एंड कोड अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड करने के उपरांत जिस पर संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत मान्य होगा। अब 4.2 यहां पर दिया, उक्त कार्य की सतत मॉनिटरिंग में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राचार्य अभिलेखों के मिलान के उपरांत की हस्ताक्षर कर रहे हैं। यदि गलत सत्यापन के संबंध में भविष्य में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख बटे संकुल प्राचार्य की होगी। अगर अनुभव प्रमाण पत्र में कोई गलती होती है तो यहाँ पर संस्था प्रमुख और संकुल प्राचार्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे अतिथि शिक्षक की भर्ती हो चाहे फीडिंग हो, क्योंकि सबसे पहले अगर आप 1-1 पर भी शिकायत करती हैं तो प्रोसेसिंग यहीं से चालू होती है संकुल और संस्था से।
अब 5.1 GFMS पोर्टल के केवल एक ही पंजीयन कराना है। आवेदक जिन्होंने GFMS पोर्टल पर एक से अधिक पंजीयन करा लिए हैं वे आवेदक संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित नंबर से लॉग ऑन ही AKYC करेंगे। आवेदक जिन्होंने EKYC सत्यापित पंजीयन से कराते हुए अन्य पंजीयन नंबर से करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार की रोटी सुधार के लिए संलग्न प्रारूप आवेदन ईमेल करें। 5.3 है EKYC करते समय समग्र ID एवं आधार नंबर सावधानी पूर्वक दर्ज करें। यदि आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की समग्र ID बटे आधार नंबर दर्ज कर दिया है तो इस प्रकार की रुटी सुधार के लिए संलग्न प्रारूप आवेदन dpi.atithi@gmail.com ईमेल करें। उक्त प्रक्रिया हेल्प डॉक्यूमेंट तथा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ पत्र के साथ संलग्न है। कृपया डॉक्यूमेंट का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत कार्रवाई करें तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। हस्ताक्षर 15/5/19 जयश्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण। तो दोस्तों पहले जो आयुक्त थी जयश्री कियावत मैडम थी और उनका निकाला ये आदेश था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या प्रोसेसिंग होना है। ये उपस्थिति सत्यापन पत्रक की है तो इस तरह से भरा जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर पद जिसके विरुद्ध आप देख सकते हैं एजुकेशन पोर्टल पर लॉक किए गए मानदेय का विवरण तो इस तरह से भर के आवेदक का प्रमाण पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से और देखते जाएँ। क्योंकि ये मैं अगर पढ़ के आप लोगों को बताऊँगा तो वीडियो करीब 1 घंटे के समथिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह का 70 बार कार्य दिवस आपको भरना है और ये तो आपका GFMS पोर्टल से ही निकल आएगा दोस्तों। निकलने के बाद में यहाँ पर एक और आदेश 22/11/19 का है अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट करने के संबंध में। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी ऑफलाइन क्लेम को GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। अब किसी भाई का अगर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यानी पहले समझा देता हूँ आपको क्या करना है। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनका मानदेय एजुकेशन पोर्टल से तैयार नहीं हुआ था उनके क्लेम फॉर्म ऑनलाइन जनरेट नहीं हुए थे ऐसे प्रकरण में संचालन का पत्र क्रमांक 15/82/15/5/19 के अनुसार क्लेम आवेदक द्वारा हस्तलिखित क्लेम फॉर्म प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। हस्तलिखित क्लेम फॉर्म को संकुल प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया GFMS पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। अब किसी ने पहले जब पहले काम किया था और जब ऑनलाइन भर्ती नहीं होती थी तो उनका भी ऑनलाइन ही अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा यानी ऑफलाइन से हो जाएगा ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये करना है प्रोसेसिंग तो यहाँ पर संकुल प्राचार्य की सारी प्रोसेसिंग रहेगी और स्कूल यानी संस्था प्रमुख की। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाइयों तो इस तरह से आपको करना है और यहाँ पर ये सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको भरने के बाद में करना क्या है संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों से प्राप्त ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को सत्यापन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से और ये पूरी जानकारी है उन भाइयों के लिए जो परीक्षा पास हैं और कुछ कारण बस परेशान हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बहुत से कमेंट्स मेरे वीडियो पर आ रहे थे मेरे भाइयों तो इस तरह के आदेश मैंने आपको बता दिए हैं। तो और बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों तो 15 पेज का समथिंग है आदेश से लंबित अनुभव प्रमाण पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर हेतु अनुशीलित करें। तो यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी को सेंड किया जाएगा और वहाँ से आपके सिग्नेचर रेडी हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।